हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू मैच टुडे। टुडे फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन रोमन रेंस ट्राइबल चीफ वर्सेस एलए नाइट फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल। सो लेट्स बिगिन, हु विल विन दिस मैच एंड टेक डाउन दिस टाइटल। सो व्हेन द मैच स्टार्टिंग, ऑल ऑफ यू डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। और यहाँ पे दोनों ही सुपरस्टार रेडी है, ट्रैवल शेफ और रोमन रिंग्स। पर रोमन रिंग्स को लगा था, हमको लगा कि रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ आते ही रनिंग स्पेयर से अपना मैच का शुरुआत करेगा, पर यहाँ पे एलए नाइट ने उल्टा ही कर दिखाया। यहाँ पे एलए नाइट ने अपना फिनिशर मूव स्टार्टिंग में रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ को लगा दिया। कोई ना, रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ थोड़ा सा मौका दे रहा है एलए नाइट को, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमबैक देखने वाला है, पर एंडिंग में आप लोगों को भी पता है कौन इस मैच को विन करेगा। यहाँ पे पिन आउट का ट्राई पहले से हो चुका है, अब आ चुका है रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ गॉड मोड पे। लो भाई, गॉड मोड हो चुका है चालू, अब तो रोमन रिंग्स को बचा लो, अब तो नहीं होगा एलए नाइट से। ना क्राउन्स ऑफ ज्वेल्स में हुआ था, ना अभी हो पाएगा। यहाँ पे एलए नाइट तो गया, अब रोमन रिंग्स के पास क्योंकि फिनिशर मूव भी है, एलए नाइट के पास भी फिनिशर है, पर एलए नाइट के पास दो है, रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के पास तीन तीन है। अगर लगातार भी दो भी लगाता है ना तो एलए नाइट उठने वाला नहीं लगता, रनिंग स्पेयर के लिए जाएगा, पर बच गया। रनिंग स्पेयर के लिए मोमेंटम बना था पर नहीं जा पाया। रनिंग स्पेयर का मोमेंटम अब तो लगेगा ही। यहाँ पर रनिंग स्पेयर खतरनाक वाला पड़ते हुए रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ का, एलए नाइट को पिन आउट दे देगा। पिन आउट का है अभी तो पिन आउट का मोमेंटम है, ये इसको मौका मिला हुआ है, पर एलए नाइट का कमबैक दिखने मिल चुका है। एलए नाइट आ चुका है फॉर्म में और फिनिशर मूव यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फिनिशर मूव लगते हुए एलए नाइट का। यहाँ पे दूसरा फिनिशर मूव भी लगाएगा रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ, कमबैक कर दे भाई साहब, क्या ही मार रहा है एलए नाइट, ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है। अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं देने मिल रहा है, पर यहाँ पे काफी खतरनाक वाला स्मूथ नेक ब्रेकर लगाते हुए यहाँ पे एलए नाइट आ चुका है खतरनाक फॉर्म में, पर रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के पास ज्यादा देर तक के वो फॉर्म में नहीं रह पाएगा। रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ जैसे ही कमबैक करेगा तो गलत सीन हो जाएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे काफी खतरनाक वाला हाई फ्लाइंग मूव लगते हुए एलए नाइट को सीधा फेस पे, एलए नाइट का तो हाल बहुत ज्यादा ही बुरा कर दिया रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ, क्या ही मार रहा है। एलए नाइट को बहुत ज्यादा ही चुलता है इस मैच के लिए और रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के साथ मैच करना हारी पड़ी है रोमन रिंग्स के साथ, यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो गया। पर फिर भी एलए नाइट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी ही नहीं है, यहाँ पे अपना ही फुल ऑन पावर दिखाया जा रहा है कि कैसे ना कैसे टाइटल आ जाए, पर लगता नहीं है कि टाइटल ले पाएगा क्योंकि रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ का कमबैक तो फिर तो एंडिंग ही है एलए नाइट का। फिनिशर मूव जब तक का कमबैक नहीं हो रहा तो अगर इसमें लगा देता है तो शायद विनिंग परसेंटेज चांसेस है। और यहाँ पे एलए नाइट का कन्वर्जेशन होते हुए, पर यहाँ पे रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ को फिनिशर मूव लगाना था, ये क्या करना चाह रहा है। रोमन रिंग्स अगर रनिंग स्पेयर पे आ गया और सुपरमैन पंच के लिए चले गया तो फिर ज्यादा ही मुश्किल हो सकता है एलए नाइट को कमबैक करना, जो कि हमको लग रहा नहीं कि एलए नाइट कमबैक कर पाएगा क्योंकि रोमन रिंग्स उसको मौका ही नहीं दे रहा है। और यहाँ पर रनिंग स्पेयर सीधा रिंग के साथ, अब तो एंड है, मंगा लो भाई टाइटल, मंगा लो रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के लिए। पर यहाँ पे क्या ही सीन हो गया, यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे पिन आउट, सुपरमैन पंच इनकमिंग, अब तो मंगा ही लो, अब तो कोई चांसेस ही नहीं है एलए नाइट उठेगा। एलए नाइट, ओ भाई साहब क्या ही सीन हो चुका है, यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन, ये फिनिशर रिवर्स का कोई भी उम्मीद नहीं था और यहाँ पे फिनिशर रिवर्स करके उल्टा फिनिशर लगा दिया एलए नाइट ने, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन। रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ क्या कमबैक करेगा भाई साहब, क्या ही एंडिंग पे मैच ला के यहाँ पे पटक दिया है तम। और यहाँ पे गलत सीन, यहाँ पे रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ शायद रनिंग स्पेयर के लिए जाएगा और यहाँ पे आखिरकार रनिंग स्पेयर ट्रैवल शेफ का लगातार रनिंग स्पेयर लगते हुए और इस मैच को रोमन रिंग्स जीतते हुए और अनडिस्प्यूटेड टाइटल वापस से रोमन रिंग्स के पास आते हुए। एलए नाइट ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया इस मैच को विन करने के लिए, अच्छा खासा मैच भी परफॉर्म किया, पर सामने ओपोनेंट रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ रहेगा तो कोई मुश्किल ही नहीं कि ये टाइटल उससे कोई छीन पाए। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक मार दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए ताकि आप लोग इसी तरह का मज़ेदार वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।